वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्कार। ये आपकी क्लास बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट, ये आपका पार्ट नंबर है 31 और बुक जो आपकी चल रही है ये है आपकी सेल बायोलॉजी, सब्जेक्ट जूलॉजी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजाइम के बारे में हमने पीछे क्लास में चर्चा की थी कि एंजाइम के खोजकर्ता के बारे में, एंजाइम नाम किसने दिया था, एंजाइम को क्रिस्टल रूप में किसके बारे में क्रिस्टल रूप में किसने प्राप्त किया था, यानी कि जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि जो अभिलक्षण होते हैं वे क्या क्या होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंजाइम होते हैं वो बायो कैटालाइज होते हैं, यानी कि एक जैव उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट को आसानी से बनाने में काम में लिए जाते हैं। तो इसी आधार पर जो एंजाइम्स होते हैं उसके कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम मान सकते हैं कि ये जो तत्व है या ये जो पदार्थ है वो एंजाइम के रूप में होता है। तो एंजाइम के विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं, देखिए जो एंजाइम होते हैं अधिकांश जितने भी एंजाइम होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, अर्थात एंजाइम क्या होते हैं, अधिकांश एंजाइम रंगहीन होते हैं तथा जो एंजाइम जो होंगे आसानी से जल में घुल जाएंगे, नमक के घोल में घुल सकते हैं, तथा ये एंजाइम नमक के घोल में व जल में आसानी से क्या होते हैं, आसानी से घुलनशील होते हैं, अर्थात एंजाइम क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, नमक की घोल में और जल में क्या हो सकते हैं, ये आसानी से क्या हो सकते हैं, घुलनशील हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंट्स के लिए क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, अर्थात किसी भी एनिमल्स की बॉडी की हम बात करते हैं तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर हर समय अनेकों की संख्या में, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 की संख्या में एंजाइम क्या रहते हैं, 1000 की संख्या में एंजाइम में उपस्थित रहते हैं, अर्थात एक कार्य के लिए एक किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, अर्थात एक ही प्रकार का जो एंजाइम होता है वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं क्या नहीं कर सकता है, संपन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम ना तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शंस को कैसे संपन्न करते हैं, देखिए जो एंजाइम होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, एंजाइम का लक्षण क्या है, एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को
लगभग 10 की 6 गुना यानी कि 10 मिलियन गुना प्रति मोल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रति मोल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी वृद्धि कर देते हैं, लगभग 10 मिलियन गुना की वृद्धि कर सकते हैं, ताकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आसानी से क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। ठीक है, तो एंजाइमों के और क्या गुण होते हैं, तो जो एंजाइमों का चौथा गुण देखिए कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट विशिष्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, सबस्ट्रेट विशिष्ट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम सबस्ट्रेट विशिष्ट होते हैं, इसका अर्थ क्या है, यानी कि जो भी कच्चा उत्पाद होता है हमारे शरीर के अंदर, चाहे किसी भी निर्माणकारी प्रक्रिया के लिए हो या एनर्जी के लिए, कोई भी कच्चा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जो उपलब्ध होता है वो किसकी तरह कार्य करेगा, सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। अर्थात विशिष्ट प्रकार के सबस्ट्रेट के ऊपर विशिष्ट ही एंजाइम क्या होगा, क्रियाशील होता है। इसलिए कहा जाता है कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट विशिष्ट होता है, यानी कि विशिष्ट सबस्ट्रेट के लिए, विशिष्ट कच्चे पदार्थ के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। अर्थात एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। इसके अलावा देखिए एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, विशिष्ट पीएच और क्या होते हैं, एंजाइम के लिए क्या होती है, विशिष्ट क्या होता है तापक्रम होता है, विशिष्ट तापक्रम होता है। एंजाइम के लिए विशिष्ट पीएच होती है और विशिष्ट क्या होता है, तापक्रम होता है। अर्थात एंजाइम विशिष्ट पीएच और विशिष्ट तापक्रम पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए एंजाइम का आगे का अर्थ देखिए कि एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम बड़े आकार के भी हो सकते हैं, छोटे अणु भर के भी हो सकते हैं। एंजाइमों के बारे में जो हमने पढ़ा है कि जो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम सबसे क्या होता है, सबसे कम अणु भार के होते हैं, सबसे कम अणु भार के एंजाइम होते हैं, सबसे कम अणु भार के एंजाइम। और जो आपके यूरिएज एंजाइम होते हैं, यूरिएज एंजाइम के अणु भार क्या होते हैं, अणु भार अधिक होते हैं, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, किसका, यूरिएज एंजाइम का। और जो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एंजाइम के लिए कोई मॉलिक्यूलर वेट फिक्स नहीं होता है, अर्थात इनका मॉलिक्यूलर वेट कम भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एंजाइम के लिए कुछ सब फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा एंजाइम के गुण देखिए, एंजाइम हमें क्या पता है, क्या करता है कि एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट कैरेक्टर हो सकते हैं एंजाइम के, क्या हो सकते हैं, देखिए एंजाइम के जो विशिष्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो बॉडी को क्या कर सकते हैं, सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रदान कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक एंजाइम के बारे में पढ़ा है, लाइसोजाइम के एंजाइम, या जो आपकी म्यूकस होती है, म्यूकस के एंजाइम, लाइसोजाइम या म्यूकस के जो एंजाइम होते हैं इनमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया को मारने के गुण होते हैं, बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, ये किल करने के गुण होते हैं। अर्थात जो लाइसोजाइम है या म्यूकस जो एंजाइम है, म्यूकस के एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, वो बैक्टीरिया को मार सकते हैं, अर्थात बॉडी के लिए सुरक्षात्मक एंजाइम की तरह ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर थे इसके एंजाइम के। ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज यानी कि साधारण गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साधारण गुण। साधारण गुण एंजाइम में साधारण गुण कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करते हैं कि एंजाइम के जो साधारण गुण है वह क्या होते हैं। तो एंजाइमों के बारे में देखिए, एंजाइमों का सबसे अच्छा गुण है कि एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात जब एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समाप्त नहीं होते हैं तो इसका अर्थ यह क्या हुआ कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अतः ये अभिक्रिया के अंत में क्या रहते हैं? अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। अर्थात एंजाइम जिस रूप में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी रूप में अंत में क्या रहते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। अब दूसरी बात देखिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी सबस्ट्रेट पर होती है। किसी सबस्ट्रेट पर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी सबस्ट्रेट पर रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हमें संपन्न करना है तो उसमें यदि थोड़ी सी मात्रा में एंजाइम है तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो सकती है? आसानी से संपन्न हो सकती है। इसका अर्थ है कि एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा ही क्या कर सकती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। ठीक है, अब एंजाइम ऐसा क्यों करते हैं कि थोड़ी सी मात्रा यदि उनकी मिला दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की तरह बढ़ जाती है। तो एंजाइमों में ऐसा क्या गुण होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं? तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, सक्रियण ऊर्जा क्या है? यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है मानव की, उसके लिए टेम्परेचर कितने डिग्री की आवश्यकता है? 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो जब तक उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर 30 डिग्री नहीं होगा तब तक वह रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट, जब जो टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के आसपास हो जाएगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाती है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स कि यदि हम इसमें एंजाइम मिला देते हैं तो एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम इस रासायनिक अभिक्रिया को किसी कम टेम्परेचर पर क्या कर सकती है? संपन्न कर सकती है। तो पहले सक्रियण ऊर्जा क्या थी? इतनी थी। और सक्रियण ऊर्जा एंजाइम के द्वारा मिलाने पर क्या हो गई है? कम हो गई है। तो सक्रियण ऊर्जा कम होने का अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? कम टेम्परेचर पर भी आसानी से संपन्न हो सकती है। और ये जो प्रभाव पड़ा है वो किसके कारण पड़ा है? ये प्रभाव एंजाइम के कारण ही पड़ा होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको कम करके अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो आसानी से क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एंजाइम का। एंजाइम के नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एंजाइम जो होते हैं
एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम उच्च ताप व उच्च पीएच तथा यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरणों में क्या हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों में विकृत हो सकते हैं। अर्थात विकृत होने का अर्थ है कि इनका आकार या रूप बदल सकता है, और आकार या रूप बदलने के कारण ये एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट विशिष्ट नहीं रहते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं। अर्थात एंजाइमों की उच्च ताप और उच्च दाब या उच्च लवण सांद्रता या धातु के अंदर इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो सकती है, नष्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो उच्च ताप उच्च दाब या अन्य धातु के प्रभाव में या क्षारकता के प्रभाव में या अम्लता के प्रभाव में क्या हो सकते हैं, विकृत हो सकते हैं, जिनके कारण इनकी जो विशिष्टता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, हमने देखिए कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं क्या बोलते हैं, इनहिबिटर भी कहा जाता है। कुछ पदार्थ इनहिबिटर की तरह कार्य करते हैं, तो ये पदार्थ क्या होंगे, ये पदार्थ एंजाइमों के गुण को नष्ट कर देते हैं। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब वो यदि एंजाइमों के साथ मिल जाते हैं तो एंजाइमों की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात इनकी सक्रियता को नष्ट करने के कारण इन पदार्थों को इनहिबिटर पदार्थ कहा जाता है, और ये पदार्थ एंजाइमों की अभिक्रियाशीलता को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम मैंने कहा था कि एंजाइमों का अणुभार ज़्यादा भी हो सकता है, और एंजाइमों का अणुभार क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे आरएनएएच एंजाइम जो होते हैं, आरएनएए एंजाइमों का अणुभार क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा स्टेप देखिए, एंजाइमों का गुण क्या है, लगभग सभी एंजाइम, मैंने कहा था कि लगभग सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी और जूलॉजी के अंदर बहुत से एक्सेप्शन पाए जाते हैं, अपवाद पाए जाते हैं, तो इसी प्रकार इनके अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं। यानी कि जो आरएनए एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना होता है, यानी कि आरएनए एंजाइम को छोड़कर और बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये सारे एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ये एंजाइमों के विशिष्ट प्रकार के कुछ गुण थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और दूसरा भी देख लीजिए कि एंजाइम कुछ जगह समूह विशिष्ट भी होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट विशिष्ट भी होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइमों के जो क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम कितने वर्ग के होते हैं। लगभग एंजाइमों के 6 वर्ग होते हैं, जिन्हें हमें इनके प्रकृति के आधार पर रखा गया है, इनकी नेचर के आधार पर रखा गया है। तो ये एंजाइमों के बारे में कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में था, कुछ साधारण गुण के बारे में था। एंजाइमों के आगे के पॉइंट में इनमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और एंजाइमों के ऊपर विशिष्ट प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, और एंजाइमों की क्रियाशीलता के विशिष्ट कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे।